राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कनिष्ठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती राजनांदगांव के मोती वार्ड में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक होने वाली भागवत कथा में कथा वाचन के लिए पहुंचे हैं। का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, अब विलंब नहीं है, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका के पास जो साक्ष्य पहुंचे हैं इससे हम लोग विश्वस्त हैं कि न्यायपालिका में हमेशा साक्ष्य के आधार। तो राम का जन्म भारत भूमि में हुआ है और बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ है। अब विषय आया हमारे वैदिक पुराणों के द्वारा जो प्रमाण दिया गया और उसे हटकर भी देखे तो नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि हम विज्ञान का भी पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने जब अयोध्या की पावन भूमि पर अपने वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च किया तो वहां उन्हें हिंदू इमारत होने का प्रमाण मिला है। तो कोर्ट इसे नकार भी नहीं सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने बहुत बड़ा प्रमाण है कि जिस जगह पर मुस्लिम मूवमेंट, मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावा कर रहा है, उसी तथाकथित मस्जिद कहने वाली जगह के नीचे जो नींव का पत्थर मिला है उस पर भगवान बारह की मूर्तियां अंकित हैं और उस पर भगवान विष्णु के चिन्ह अंकित हैं। हमारा पक्ष मजबूत है और वैसे भी बाबर की जन्मभूमि और बाबर के जन्म का प्रमाण पत्र हमारे पास, आपके पास, सबके पास है कि उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। और राम के जन्म का प्रमाण पत्र हमारे पास भी आपके पास हुआ है कि आर्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो भी हो कोर्ट का फैसला को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश के मुस्लिम समाज को ये चाहिए कि उनके पूर्वजों ने जो गलती की है उस गलती को सहज भाव से स्वीकार कर लें और भारतवर्ष आर्यावर्त है, हिंदुओं के आराध्य भगवान राम और मुसलमानों के पूर्वजों के आराध्य श्री राम। भारतवर्ष में आज तक कोई एक मुसलमान पैदा नहीं हुआ है, जो पैदा हुआ है वो हिंदू पैदा हुआ है। उसके पहले विदेश से आए हुए मुसलमानों ने भारत में जो जहर घोला है उस जहर को समाप्त करके देश के पूरे 25 करोड़ मुसलमानों को राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए। कोर्ट का फैसला साक्ष्यों के आधार पर हमारे पक्ष में आएगा आएगा आएगा। आध्यात्मिक जगत का संत और समाज का विशिष्ट आगे नहीं बढ़ सकता और ना समाज तक अपनी बात पहुंचा सकता है। मैं घर घर तो कुछ कह सकता हूँ, आपके माध्यम से घर तक भी समाचार पहुंच जाता है। जनमंत्र निष्पक्ष निर्भीक।